जगमोहन सिंह पट्टी एडवोकेट यूट्यूब चैनल अज तुहाडे वास्ते आ जिहड़ी नवीं एक नामराद बीमारी कहां जां इहनूं क्रोनिक कहां जां इहनूं जानलेवा कहां जां की कहां की ना कहां जिहदा अजे तक लोगों नूं पता ही नहीं। छोटे छोटे बच्चों के उत्ते इस दा अटैक हो रहा है और एक ही चीज़ है हैंड फुट माउथ की बीमारी है। तो ये जिहड़ी गल है ये भैन जी दे अपने छोटे बच्चों ने ये फेस की है। जे इन्हां दे बच्चे शादीशुदा ने तो अगों उन्हां बच्चों उन्हां दे बच्चों ने फेस की है। तो इस दे उत्ते जिहड़ी है विचार चर्चा ते ज्ञान गोष्ठी जिहड़ी है करन लई हाज़र हाँ। मैडिकल दा की जिहड़ा इहदे उत्ते प्रभाव है या घरेलू नुस्खियां दा की है ते तुसीं घरेलू नुस्खे यूज करके तुसीं अपनी इकोनमी जिहड़ी है शटर होण तों बचा सकदे हो धक्के खाण तों बच सकदे हो। तो इस तरह जिहड़ा किस तरह का तुसी इन्हां दा बच्चों का छोटिया का छोटी साध संगत का बचाओ कर सकते हो इलाज कर सकते हो ये गल्लां करन लई साडे भैन जी ने। सत श्री अकाल भैन जी। सत श्री अकाल जी। सब तो पहले मैं तुहानूं सब नूं दसना चाहांगी कि जिहड़ी हैंड फुट माउथ डिजीज़ है उहदे विच की हुंदा कि बच्चे दे मूँह दे विच छाला हो जाता जिहड़ा कि वधदा जाता हौली हौली काफ़ी वड्डा हो जाता है। उस तों इलावा उहनां दीआं कूनियां दे उत्ते हत्थां दे उत्ते पैरों के उत्ते गोडिया के उत्ते कई बार हिप्स के उत्ते छोटे छोटे बरीक बरीक दाने शुरू हो जाते जिहड़े हौली हौली बदले जाते। मेरी अपनी एक दो तीन चार साल की तो एक डेढ़ साल की है जिन्हों स्कूल दे विच जदों वापस आई तो असी उहदे देखिया कि छोटे छोटे दाने सी। सब तो पहली चीज़ तो है कि जी वो स्कूल तो यह डिजीज़ लैके आए। जिस बच्चे नूं भी ये प्रॉब्लम हुंदी है प्लीज़ रिक्वेस्ट है क्योंकि ये चीज़ां जिहड़ियां एक तरह दियां बच्चे नूं टच होण दे नाल हवा दे नाल फैलदियां ने। जे किसी दे बच्चे नूं ये चीज़ हुंदी हैगी है तो अपने बच्चे नूं स्कूल ना भेजो। पढ़ाई जरूरी नहीं है, दूसरे बच्चे की सेहत जरूरी है। जिस तरह तुहाडे बच्चे की सेहत है उस तरह दूसरे बच्चे की सेहत। जे तुसीं देखदे हैगे हो भी किसी भी किस्म दे कोई दाने बच्चे दियां इन्हां जगहों दे उत्ते हो रहे हैगे ने चैक रखो क्योंकि अजकल हवा इस दी चल रही चैक रखो। अगर तुहाडे बच्चों दे कोई इदां दी प्रॉब्लम हुंदी है तो प्लीज़ स्कूल ना भेजो। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम जिहड़ी हैगी है 5 साल तक के बच्चों आ रही हैगी है, वड्डे बच्चों भी हो रही है पर वो काफ़ी हद तक बचा दे। उहदे विच की है जे तुसीं डॉक्टर दे कोल जांदे हैगे हो तो उन्हां दा सीधा हुंदा हैगा कि जी तुहानूं एक सिट्रजिन दी जिहड़ी हैगी है लिक्विड बच्चों नूं दे दित्ता जांदा नाल जिहड़ा हैगा छाले दे वास्ते उन्हां नूं कोई जैल वगैरह वो रिकमेंड कर। इस तों इलावा वो अक्सर रिकमेंड करदे हैगे ने क्योंकि मेरी अपनी दोती नूं ये चीज़ होई है तो सानूं भी उन्होंने ये चीज़ रिकमेंड की कि जी तुसीं इन्हां नूं लस्सी पिलाओ। लस्सी पीण नाल की होएगा कि जी ठंडी चीज़ हैगी है तो बच्चे दे छाले जिहड़े हैगे आ ठीक हो जाए। लस्सी दुध दी जां दही दी? दुध दी दही दी वैसे तो उन्होंने दही की लस्सी कहा सीगा सानू कि दही की लस्सी पिलाओ छाछ पिलाओ इन्हां नूं जिहदे नाल जिहड़ा हैगा बच्चे दे जिहड़ा अंदरों गर्मी घटेगी तो छाले ठीक हो जाए। पर असी अपने बजुर्गों तो जो कुछ सुनिया होया सी असी उस हिसाब नाल घर दे विच अपने बच्चों की टेक केयर की। पहली चीज़ अपने बच्चों नूं पूरी तरीके कवर करके रखो। जिस दे भी बच्चे नूं ये प्रॉब्लम होंदी हैगी है और प्लीज़ बच्चे नूं पूरी बांह दे कपड़े पवाओ, लैग्स दे उत्ते पूरी पजामा वगैरह कुछ इस तरह का पाओ। कोशिश करो कि बच्चे नूं लिटा के कवर करके रखो। गर्मी हैगी है जिहदे करके एसी वगैरह पखे वगैरह चलते हैगे। जो मेरा अपना परसनल एक्सपीरियंस कहिंदा हैगा वो ये हैगा कि जे तुसीं बच्चे नूं खुली हवा दे विच छड़ दिओ पखे दे थले या एसी दे थले उहदे शरीर नूं खुला छड़ दिओ जिथे भी उहदे हवा लगेगी ये बीमारी वधेगी। प्लस जे तुहाडे घर 'च दूसरा बच्चा हैगा हुण जिदा साडे घर 'च 1.5 साल का दूसरा बच्चा सी असीं उहनूं उहदी भैण तों दूर नहीं रख सके क्योंकि वह किसी ना किसी बहाने उहदे कोल आ जाती सी ते उहनूं भी सेम प्रॉब्लम फेस करनी पई। वड्डी नूं तां असीं लिटा लिया सीगा पर छोटी ने लेटना भी जिस तरह कह लो कि नहीं 1.5 साल का बच्चा नहीं मनता कि जी मैं सारा दिन बैड दे उत्ते लेटे आ रहा। सो बेस्ट चीज़ की सी कि जे बच्चे खारिश करते हैं तो उन्होंने निशान पैंदा डर हुंदा पूरी तरीके नहीं मैं कह सकती कि इस डिसीज़ दे विच निशान पैणगे या नहीं बट फिर भी डर हुंदा। सो तुसीं कोशिश करो एक तो बच्चों नहलाओ ना जिन्ने दिन 4-5 दिन प्रॉब्लम रहिंदी हैगी
उस दरम्यान बच्चे नुहाओ ना। सिंपल लैक्टोकैलामाइन लोशन आता है पिंक कलर का, जिहड़ा कि साढ़े फेस लोशन वजों भी जानिया जाता है, उन्होंने तुम जगह बच्चे की पूरी बॉडी के उत्ते अपलाई करो ताकि बच्चे किसी किस्म की कोई खारिश ना हो, बच्चा अपने किसी दाने छिले ना, ताकि पानी दूसरी जगह के उत्ते लग के डिजीज़ वधे। तीसरी चीज़, तुसी अपने बच्चों जिहड़ी कि तुसी किसी भी कैमिस्ट को या डॉक्टर को जे बच्चे दे मूँह दे विच कोई छाला हो जाता है तो उहदे लई तुसी कोई भी जैल जिहड़ी आ अपलाई करो। जैल अपलाई करन तो विदिन 5 or 10 minutes बाद तुसी बच्चे नूं खाण पीण नूं दे दो, क्योंकि उस टाइम ते वह थोड़ा जिहा हील होया हुंदा है। तुसी उस चीज़ नूं तुसी 2 to 3 वारी तुसी जिहड़ा हैगा जैल अपलाई करो उहनां दे, ते बच्चों जोड़ा हैगा थोड़ा जा नमकीन बिल्कुल बंद कर दो, नमक बिल्कुल ना दो, क्योंकि नमक दे नाल भी बॉडी दे विच जोड़ा हैगा रैश वधदा, खारिश वधदी हैगी। सो जिन्ने दिन तुहाडा बच्चा इस चीज़ नाल सफ़र कर रहा हैगा, कोशिश करो उन्हू मिठा दो, घर दे विच जोड़ा हैगा बच्चे नू कोई ठंडिया चीज़ा ना दो, गर्म चीज़ा दे नाल बच्चे दे जिहड़ा अंदर जे कोई छाला हैगा तो वह बाहर आ जाएगा। ठंडी चीज़ पीन दे नाल बच्चे दे अंदर दे छाले अंदर ही रह जाएंगे, प्रॉपरली वो चीज़ बाहर नहीं निकलेगी तो बच्चे नू परेशान करेगी। सो गर्म चीज़ा गर्म तासीर वाली चीज़ा दो, तुसी जूस वगैरह दे सकते हो बच्चे नू, लिक्विड्स वगैरह दे सकते हैगे हो, बजाय लस्सी देने तुसी बच्चे नू दही दे सकते हो, दुध दे सकते हो, आइसक्रीम शेक वगैरह बना के दे सकते हैगे हो, बच्चे नू आइसक्रीम वगैरह खिला सकते हैगे हो, कोई भी तुसी उन्हां नू केक्स वगैरह पेस्ट्रीज वगैरह जो भी बच्चा मिठे दे विच पसंद करता है तुसी उन्हां नू वह चीज़ दे सकते हो। इदां दी कोई चीज़ ना दो जिन्हों बच्चे नू जीभ दे नाल बहुत ज़्यादा टच होने ते प्रॉब्लम आ। सो ये सारिया चीज़ा एक देसी नुस्खे ने जिन्हां नू असी अपने घर दे विच अपनाया, परमात्मा की मेहर नाल साढ़े बच्चों जिहड़ा सीगा तीसरे तो चौथे दिन दे विच जिन्हों कह लो मोड़ा पै गया, जिहड़े उन्होंने छोटे छोटे छाले होए सीगे वह सुक गए तो हौली हौली उन्होंने उत्ते काला छिलका जिहा आ गया हैगा, तो वह भी जिहड़ा हैगा उतर के स्किन बिल्कुल साफ आएगी। जब तक ये चीज़ नहीं होंदी हैगी सो प्लीज़ सारे जने अपने बच्चों इस चीज़ के नाल ध्यान दो, क्योंकि असी कई बच्चों का सुनिया मेरी जिदा कह लो 2-3 दे स्कूल दे असी कई बच्चों का सुनिया कि पेरेंट्स नू ड्रिप लवानी पै रही हैगी है, छालियां दे विच पानी भर गया, पस भर गई, बच्चे परेशान हो रहे हैं, जलन हो रही। सो प्लीज़ बजुर्गों का कहना मनो, साढ़े वर्गों की भी सलाह नू।